या गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फोन्स अंडर 15 के। बहुत ज्यादा लेमैन्स लैंग्वेज के अंदर वीडियो होने वाली है, काफी ज्यादा छोटी वीडियो होगी। मैं स्पेक्स वगैरह से बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करूंगा, कैटेगरी बताऊंगा और उसके नीचे जो बेस्ट फोन होगा वो बताऊंगा ताकि आपके लिए चूज करना ईजी हो जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फोन आएगा जो एकदम ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है अंडर 10 के फॉर दी एवरेज कंज्यूमर। अब मैं एवरेज कंज्यूमर इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको इससे ज्यादा इंटेंसिव गेमिंग नहीं करनी, आपको बस मूवीज वगैरह देखनी है थोड़ी बहुत फोन पे, कॉल्स वगैरह कर ली और ऐसा आप एक नॉर्मल यूजर, आपको फोटोज वगैरह कभी कभी खींचनी है, तो नॉर्मल यूजर के लिए अंडर 15 के जो बेस्ट फोन होगा वो होगा रेडमी नोट 10। इसके पीछे का कारण क्या है, काफी ज्यादा बैलेंस्ड फोन है और 12,500 के प्राइस में अगर आप एड्स वगैरह बंद करना जानते हो और आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो कि ब्रॉडफेयर वगैरह कैसे डिलीट किया जाए, जिसके ऊपर बाय द वे मेरा एक वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको Xiaomi Redmi Note 10 लेना है और आप एड्स और ब्रॉडफेयर हटा देना चाहते हो तो ये वाला काफी अच्छी ऑफरिंग बन जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले फोन की जो की होगी पोको M3 Pro, अगर आपको 5G फोन लेना है तो ये अंडर 15 के बेस्ट 5G फोन होगा। Realme 8 से काफी ज्यादा मिलता जुलता फोन है ये, बट कुछ कुछ हद में ये Realme 8 से बेटर बन जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 5G, अगर आपको 5G फोन लेना है, पर्सनली कोई भी ऐसे 5G फोन रेकमेंड करता नहीं क्योंकि अभी इस स्टेज में 5G लेना बेवकूफी वाली काम है। 15,000 के नीचे या तो आप एक अच्छा फोन लोगे या तो आप एक 5G फोन लोगे, और मैं कहूंगा अभी एक अच्छा फोन लो क्योंकि 5G आने में बहुत टाइम लगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कैमराज, अगर आपको कैमरा आपकी काफी बढ़िया से हाईलाइट है, आपको फोन लेते हो आपको कैमरा यूज बहुत ज्यादा करना है, तो उस प्राइस के अंदर मैं कहूंगा अंडर 15 के एवरेज से ही है सबके कैमरास। जो मोटो का एक आता है G40 G60 फ्यूजन में से कोई एक आता है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है, उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा या 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है अंडर 15 के, उसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने उसके वीडियोस वगैरह देखे हैं, कैमरा सैंपल्स मैंने देखे हैं, इतना अच्छा कैमरा नहीं है जितना कंपनी हाइप कर रही है। अगर आपको कैमरा ही यूज करना है मैं रिकमेंड करूंगा 15,000 से थोड़ा सा ऊपर चल जाओ, Redmi Note 10 Pro ले लो। इनफैक्ट Redmi Note 10 Pro अंडर 20K भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है। Redmi Note 10 Pro Max थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। Redmi Note 10 की अगर हम बात करें तो मैंने उसके ऊपर एक रिव्यू बना रखा है, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो तुम्हें देखने लेने से पहले। तो उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको एड्स वगैरह नहीं चाहिए अपने फोन के अंदर, तो Motorola G40 Fusion आता है वो ले सकते हो, या फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 भी आता है अगर आपकी प्राइस थोड़ी सी आप कम पैसे स्पेंड करना चाहते हो। अगर आपको इंडियन फोन लेना है तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 विद अ क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें एड्स वगैरह और ब्रॉडवेयर बिल्कुल नहीं है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो पोको X3 ले लो, या फिर अपने आपको थोड़ा सा पुश करो और पोको X3 प्रो ले लो, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे उस गेम उस फोन से। विद दैट बीइंग सेड, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी आज के लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, बहुत मैंने स्ट्रेट टू द पॉइंट रखने की कोशिश की है वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।